हमारा आज का टॉपिक है अंडर आईज। बेसिकली अंडर आईज या आईज के अराउंड जो एरिया, जो स्किन होती है, वो हमारे बाकी फेस की स्किन और बाकी बॉडी की स्किन से बहुत डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? बिकॉज ये स्किन जो है ये थ्री टाइम्स पतली होती है, थिन होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ आवर फेशियल स्किन। यानी कि हमारे फेस की स्किन से थ्री टाइम्स ये स्किन पतली होती है। क्योंकि ये ज़्यादा पतली होती है तो इसके इश्यूज़ भी डिफरेंट होते हैं और जल्दी भी होते हैं कंपैरेटिवली बाकी स्किन के नस्बत। ठीक है, अच्छा, इसमें आज के टॉपिक में हमने दोनों चीज़ें कवर करनी है। जी हाँ, हम इसमें जो डार्कनेस है वो भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो एंटी एजिंग या जो एजिंग से रिलेटेड हमारी आईज के अराउंड स्किन के ऊपर होता है और उसको कैसे करेक्ट करना है, उससे बचना कैसे है, वो सब कुछ हम साथ ही इसमें कवर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं और वो यंग भी होते हैं, उनमें जो टॉप पे एक इशू होता है वो होता है डार्क सर्कल्स का। जी हाँ, डार्क सर्कल्स का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एज रिलेटेड नहीं है और है भी, और आजकल तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया हुआ है। द रीज़न बीइंग कि जो लोग, मतलब जैसे हमने 2 साल घर के अंदर गुजारे हैं कोविड में और वो लॉकडाउन चलते रहे, फिर हम घरों में रहते रहे, उसमें गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। गैजेट्स मतलब आपके टैबलेट्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके आईपैड्स हैं, ये चीज़ों का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि जिसकी वजह से, और फिर हमारी रूटीन्स डिस्टर्ब हो गई, हमारे पास, हमें काम पे नहीं जाना होता था सुबह, या बच्चों ने स्कूल कॉलेज नहीं जाना होता था, स्टूडेंट्स बेचारे जो हैं वो घर के अंदर जो थे वो रह रहे थे और घर से ही पढ़ रहे थे, तो रात को या अपने लेजर टाइम, अपने फ्री टाइम में भी वो गैजेट्स यूज़ कर रहे थे, और सुबह के टाइम जो अपनी क्लासेस ले रहे थे वो भी उन्होंने ऑनलाइन लेनी थी, तो इसका मतलब है गैजेट्स के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, तो वो भी गैजेट्स के थ्रू ही हो रहा था। अब ये जो इशू था, इसकी वजह से देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क सर्कल्स की कंप्लेन आना शुरू हो गई। डार्क सर्कल्स की कंप्लेन जो है वो इसीलिए ज़्यादा आना शुरू हो गई बिकॉज रूटीन ऐसी चेंज हुई कि उस रूटीन में रहते रहते ये सब कुछ होना शुरू हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसके लिए हमने देखना क्या होता है। सबसे पहले तो यही होता है कि जब डार्क सर्कल्स होना शुरू होते हैं तो लोग घर के अंदर खुद से अपनी रूटीन को चेक करते हैं, अपनी लगाने वाली चीज़ें, जो कि एक डेली रूटीन की चीज़ होती है कि आपने मॉइस्चराइज करना है या आप कोई और सिरप लगाते हैं अपने फेस पे, या आईज के अराउंड आप लगा रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले उसको चेंज करते हैं या उसको चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या है या इसका क्या करना है, और इसको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चीज़ें भी करते हैं और होम रेमेडीज़ को भी ट्राई करते हैं। अब जब वो होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रहे होते हैं और साथ में कुछ और लगाने वाली अपनी रूटीन को बेहतर कर लेते हैं, उसके बावजूद उनको लगता है कि हमारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। अब जब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर ने बेसिकली आपकी स्किन का एनालिसिस करना होता है, एनालाइज करना, एग्जामिन करना स्किन को बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स कुछ लोगों में ये होता है कि उनकी जो स्किन है उसकी वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिन होती है, वैसे तो सभी की थिन होती है, यहाँ से थ्री टाइम्स जो है वो थ्री फोर्स थिनर होती है बाकी फेस की स्किन से, लेकिन कुछ लोगों की फेस की स्किन भी थिन होती है, तो उन केसेस में उन लोगों की जो आईज के अराउंड स्किन होती है वो और ही ज़्यादा पतली होती है, वो इतनी पतली होती है कि उसके अंदर से जो ब्लड वेसल्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, और ब्लड वेसल्स का जो अपना कलर है, जैसे वेन्स का जो है वो ब्लू कलर है, ब्लूइश ब्लू आना शुरू हो जाता है, दूर से देख के वो डार्क लगता है और बहुत हेलो सी आईज लगती हैं, और उसके अलावा जो है वो छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज जो हैं वो रेड कलर की होती हैं, उसका भी यू आ रहा होता है। अब जब ये वाले शेड्स आ रहे होते हैं तो दूर से देखने में एक इल्यूजन क्रिएट होता है, और वो इल्यूजन क्रिएट होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क आईज हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन को, यानी कि उनके डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने का तरीका फ़र्क होता है। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं, विटामिन के क्रीम्स देते हैं। जो विटामिन के क्रीम्स होते हैं उनमें ये अच्छी बात होती है कि वो जो स्टैग्नेंट ब्लड होता है वेसल्स में उसको मूव कराती है, और उसकी वजह से आपको जो ये जो शेड आ रहा होता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है, वो बेहतर लगना शुरू हो जाता है। फिर एक और इस तरह से आईज होती है, एनालिसिस पे हम ये देखते हैं कि पेशेंट की आईज कैसी हैं, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट की आईज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेलो हैं, यानी कि अंदर को धंसी हुई आँख है,
जब वो अंदर को धसी हुई आंख होती है तो उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये बहुत ही ज्यादा डार्क कलर नजर आ रहा है। ऐसे लोगों में फिलर को यूज करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम फिलर यूज करते हैं और उस हेलो को फिल कर देते हैं, फिलर नीचे भी लगता है और समटाइम्स हमने यहाँ पे भी लगाना होता है ताकि आई जो है वो ज्यादा ओपन और ज्यादा खुली लगे और वो अंदर को धसी भी ना लगे। जब वो धसी भी नहीं लगती है तो वो आपको डार्क नहीं लग रही होती है। अब हम आ जाते हैं कि कुछ लोगों में डार्क सर्कल्स जो है वो कैसे होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर की डिसकलरेशन या पिगमेंटेशन ही होती है, यानी कि प्रॉपर ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन ही होती है। ऐसे लोगों में हम डिफरेंट तरह के सीरम्स यूज करवाते हैं, डिफरेंट तरह की क्रीम्स यूज करवाते हैं। बेसिक जो चीज़ जिसको हम स्टार्ट करवाते हैं उसके अंदर आ जाता है वाइटमिन सी, उसके बाद ग्लूटाथायोन भी यहाँ पे सेफ होता है, वो भी हम अराउंड आइज जो है वो यूज़ करवाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारे पास कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपने क्या करना है। अब मैं आपको कुछ डार्क सर्कल्स के हवाले से होम रेमेडीज बता रही हूँ। होम रेमेडीज में सबसे टॉप के ऊपर जो आती है दैट इज कॉफी। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये करना है कि आपने कॉफी ले लिया, कॉफी का जो पाउडर होता है घरों में अवेलेबल होता है, आम हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें आपने बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स, यानी कि हमें थिक पेस्ट बनानी है, हमें पानी की तरह उसकी रनी कंसिस्टेंसी नहीं करनी है। तो आपने उसकी थिक पेस्ट बनानी है, आप इतना पाउडर लेंगे उसी के हिसाब से आपने देख के उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं ताकि वो मिक्स भी हो जाए और एक पेस्ट बन जाए। उसको आपने आराम से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। उसको आप यहाँ पे भी लगाएंगे, इधर भी, और आईज के ऊपर भी लगा लेंगे। ये आप ऑल अराउंड दी आई जो है वो उसको लगा लेंगे और उसको जो है वो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने गरम, हल्का नीम गरम पानी लेके कॉटन को उसके अंदर डिप करके उसके थ्रू इसको उतारना है। रगड़ रगड़ के आपने बिल्कुल नहीं उतारना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी आईज की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और आपको डैमेज्ड फील होगी। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है खीरे का जूस। खीरे का जूस जो होता है उसके अंदर कोई इरिटेशन कॉज करने वाली चीज़ नहीं होती है, प्लस उसके अंदर वाइटमिन ई बहुत ज़्यादा होता है और ये हेल्प करता है आपकी ये जो डार्क सर्कल्स हैं इनको कम करने में और आपकी आईज को फ्रेशन अप करने में। तो आपने कुछ नहीं करना, आप खीरे को अच्छी तरह पानी से धो लें, पानी से वॉश करने के बाद फिर उसको ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद उसको कद्दूकस कर लें और ग्रेट करने के बाद उसका जो है वो आप पानी छान लें। अब आपके पास जो है एक फ्रेश और प्योर क्यूकम्बर का जो है वो वाटर या जूस जो भी आप कहना चाहते हैं वो आ गया। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने कॉटन को इसमें डिप करना है और उसके बाद आप यहाँ पे लगा लेंगे, अच्छी तरह लगा लें और उसको लगा रहने दें एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए लगे रहने दें। और फिर हल्के नीम गर्म पानी में आपने कॉटन को डिप करके उसी तरह इसको उतार देना है। ऐसे ऐसे करके आपने ना कोई चीज़ लगानी है और ना ही आपने उतारनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ग्रीन टी, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्रीन टी भी बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। बहुत सिंपल है, जैसे आप पानी गर्म करते हैं उसके अंदर ग्रीन टी डाल देते हैं, फ्रेश ग्रीन टी बनाएं और फिर उसको थोड़ा सा निकाल लें और उसको ठंडा कर लें और फिर उसके अंदर कॉटन जो है वो डिप करके और उस कॉटन से जो है वो आपने इसको लगा देना है ऑल अराउंड योर आई और इसको लगा रहने दें और तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए लगा रहने दें और फिर इसको हल्के नीम गर्म पानी से आप उतार देंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि मूवमेंट क्या होनी चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ लगाएंगे। जो भी चीज़ आपने लगानी है उसको आपने इस तरह से लगाना है, आउटवर्ड एंड राउंड, ठीक है। आउटवर्ड एंड राउंड आप इसको लगाएंगे, आंख के अंदर जाने के लिए तो जाहिर है कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, तो आपने इस तरह से आउटवर्ड एंड राउंड, और ये छोटी उंगली में सबसे कम प्रेशर होता है तो इट्स बेटर कि आप इसको ही यूज़ करें, ठीक है। जब आपने कोई एप्लीकेशन लगानी है उसके लिए भी आप इसी को यूज़ करेंगे, और अगर जिस तरह मैं आपको बता रही कोई होम रेमेडी करनी है और आप लगाना चाहते हैं या कोई चीज़ उतारना चाहते हैं आंखों के ऊपर से, तब भी आपने यही तरीका रखना है कि छोटी उंगली के ऊपर जो भी लिया वो लिया और उसके बाद उसको आउटवर्ड एंड राउंड किया। ऐसे ऐसे भी आप लगा सकते हैं, जैसे कोई सीरम लगाना है वो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वाइटमिन सी जो है वो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, तो वाइटमिन सी जो है, ये वाइटमिन सी का सीरम मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस सीरम इज़ वेरी नाइस बिकॉज ये जो है ये ऑयल बेस्ड है और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी स्किन यहाँ से ड्राई भी हो जाती है अराउंड आइज,
तो ये दोनों चीजें कॉम्बैट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दो कंसिस्टेंसी के अंदर विटामिन सी दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 5% है और ये जो है ये 15% है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 5 से यानी कि लो पोटेंसी से शुरू करें और हाई पोटेंसी पे जाएं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि हाई पोटेंसी पे जाएं स्टार्ट करें और लो पोटेंसी से उसको मेंटेन करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको विटामिन के की क्रीम दिखा रही हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है और उसके अंदर से वेसल्स नज़र आ रहे होते हैं, और उन वेसल्स का ह्यू जो है वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा होता है पिगमेंटेशन का, उन सब लोगों के लिए विटामिन के बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जिन लोगों की स्किन पतली होती है अराउंड आईज, उसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी पतली है उसका करें क्या, तो उसके लिए ये कॉलेजन का सीरम है। कॉलेजन इलास्टिन जो है वो हमारी स्किन की, स्किन का सीमेंट है, ठीक है। स्किन की जो जो मेन, आप समझ लें जो मेन फैक्टर्स हैं जो कि स्किन बनाते हैं वो यही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको लगाना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वो बहुत अच्छा रहता है कि आप इसको यूज़ कराएं उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है अराउंड आइज, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ दो ग्लूटाथायोन की क्रीम्स। वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन लोगों की प्रॉपर ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन होती है उनको आप ग्लूटाथायोन दे सकते हैं लगाने के लिए अराउंड आइज, ठीक है। तो ये दोनों सेफ हैं, ये ग्लूटामैक्स के नाम से है या एक्टिवाइट के नाम से है, दोनों का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ग्लूटाथायोन है। ये आप अराउंड आइज यूज कर सकते हैं विदाउट एनी क्या कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट अराउंड योर आइज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सब कुछ कर लिया, ठीक है, सब कुछ क्या कर लिया, समटाइम्स तो ये होता है कि पेशेंट एनीमिक होता है, और उसकी वजह से उसके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके कुछ रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें टॉप के ऊपर आता है हीमोग्लोबिन, नंबर वन पे आ जाएगा हीमोग्लोबिन, नंबर टू पे आ जाएगा विटामिन बी के लेवल्स, और फिर नंबर थ्री पे आ जाता है विटामिन डी के लेवल्स। ये मैंने उन तीन टेस्ट के नाम लिए हैं और मैंने ऑर्डर वाइज ही लिए हैं जो कि हीलिंग कराने में हेल्पफुल होते हैं। वो आ जाते हैं जी विटामिन बी, उसके बाद जो कि बहुत एसेंशियल्स में आता है दैट इज हीमोग्लोबिन, और नंबर थ्री पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस उसका बेहतर होगा तो डेफिनेटली हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं वो बेहतर रह सकेगी या स्किन जो है वो बेहतर काम कर सकेगी, ठीक है। तो ये हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर जिनको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है तो साथ में हम खाने के लिए टेस्ट करवा लिए, और टेस्ट कराने के बाद फिर हम खाने के लिए जिस मेडिसिन की या जिस सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है वो भी देते हैं, ठीक है। अब हमने ये भी कर लिया, जो हमें खाने की ज़रूरत थी या जो टेस्ट कराने थे वो भी करा लिए, जो हमने लगाने के लिए देना था एप्लीकेशन वो भी दे दिए। अब नहीं ठीक हो रहा, अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करते हैं, जो सबसे बेस लाइन आप समझ लें या सबसे इनिशियल चीज़ हम करते हैं दैट इज सीरम इन्फ्यूशंस, ठीक है। जब आप कोई चीज़ लगाते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन एक हद तक हो सकती है, 100% एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम इन्फ्यूजन्स देते हैं मेडिसिन की तो उससे ये होता है कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या कहते हैं मेनी फोल्ड्स जो है वो बढ़ जाती है, और जब वो इतनी अच्छी होती है तो फिर आपको रिजल्ट भी ज़्यादा मिलता है। प्लस जिन लोगों की आईज जो हैं वो प्रॉपर पिगमेंटेड ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन होती है, उनमें हम ये भी चाहते हैं कि जो डेड लेयर ऑफ स्किन है वो उतरे, वो हट जाए। जिस वक्त वो उतरती है तो एप्लीकेशंस की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है, और ये मेथड इट्सेल्फ भी आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि और हम क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाता है कार्बोक्सी थेरेपी। कार्बोक्सी थेरेपी में ऑक्सीजन जो है वो इन्फ्यूज़ की जाती है आइज के अराउंड। जब वो इन्फ्यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा और फ्रेश लुक और फ्रेश आपकी स्किन को जो है वो एक क्या कहते हैं लुक मिलेगा, और वो इसीलिए आता है कि आपको फ्रेश ऑक्सीजन दी जा रही होती है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा मेथड रहता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी ऑल ओवर दी ऑल अराउंड दी आईज जो है वो ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हम क्योंकि साथ साथ एजिंग की बात भी कर रहे हैं, एजिंग अराउंड दी स्किन, ठीक है, स्किन के अराउंड सॉरी आईज के अराउंड जो स्किन है उसकी एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये स्किन थिन होती है तो इसके ऊपर फाइन लाइंस भी जल्दी पड़ती हैं, ये ड्राई आउट भी ज़्यादा होती है, सेंसिटिव भी ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ ठीक है
ये जो है ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो रिंकल्स पड़ने का चांस भी होता है. फाइन लाइन्स तो वो होती हैं जो कि बिल्कुल आपने एक क्रिंकल शिफॉन के कपड़े की तरह जो आपको नजर आ जाए वो, और जो रिंकल्स होते हैं वो आपको एक्सप्रेशन के साथ पड़ रहे होते हैं कि आप हंस रहे हैं खा रहे हैं तो साथ में जो है वो आपको रिंकल पड़ रहा है. इन सब चीज़ों से अगर हम बचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि टाइमली आप एंटी एजिंग आई क्रीम्स जो है वो लगाना शुरू करते हैं. अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक ये एज करेक्टर आई सीरम. ये जो सीरम है ये चार चीज़ों के लिए काम करता है, ठीक है. इसके अंदर फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं और पफी आइज, ठीक है. ये इन चार चीज़ों के लिए काम करता है और ब्रिलियंट है. किसी भी स्किन टाइप वाले को आप ये दे सकते हैं. बहुत ही एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देता है और मेंटेनेंस के लिए भी आप इसको यूज करवा सकते हैं, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्किन जो है वो पतली भी होती है और एज और टाइम के साथ जो है वो ढलकना शुरू हो जाती है, तो हम टाइटनिंग चाहते हैं. अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ क्रीम, ये जो है ये बेसिकली टाइटनिंग करती है. ये आईज के अराउंड आप लगाना शुरू करेंगे तो ये टाइटनिंग करना शुरू करती है या आपकी स्किन को मेंटेन कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. स्किन ढलकेगी आपके यहाँ से, ठीक है. तो ये बेसिकली टाइटनिंग के लिए यूज होती है. फिर हम आ जाते हैं कि जो क्रिंकल शिफॉन की तरह हम देख रहे हैं कि जी रिंकल्स या फिर फाइन लाइन्स बहुत सारी हो रही होती हैं एज के साथ टाइम के साथ, तो फिर ये फिलर वाली क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ. ये फिलर वाली क्रीम जो है ये बहुत ज़बरदस्त रहती है और ये हम यूज़ करवा सकते हैं एज ए मेंटेनेंस भी और एज ए ट्रीटमेंट भी. लेकिन याद रखें कि जिस वक्त आपको रिंकल्स पड़ चुके हैं और फिर आप डॉक्टर के पास आएंगे तो फिर चीज़ें लगा के हम उसको डिले नहीं कर सकते या चीज़ें लगा के उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते. फिर उसकी करेक्शन जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोसीजर के थ्रू ही करनी पड़ती है. अब हम आ जाते हैं कि प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं इस जगह के ऊपर. सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो रही होती है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि पफी आइज बहुत रहना शुरू हो जाती है, ठीक है. यहाँ पर मोटे मोटे जो है वो पफ्स बने हुए होते हैं आई के नीचे और वो रहते हैं हर वक्त. ये एज रिलेटेड होते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए डी पफ करने के लिए इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिलर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ब्राइटनिंग इंजेक्शंस. मैं बात कर रही हूँ डी पफिंग इंजेक्शंस की, ठीक है. ये इंजेक्शंस जब हम लगाते हैं तो जो पफी एरियाज होते हैं वो डी पफ हो जाते हैं. जब आप उसको डी पफ करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा और वो जो पफी आईज हमें बुरी लग रही होती हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है. और ये एक ही दफ़ा आपने इसके सेशंस लेके ख़त्म कराना होता है और ये दोबारा नहीं होती और इसकी आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती. फिर हम आ जाते हैं कि और क्या चीज़ होती है, देन इट्स मीजोथेरेपी. मीजोथेरेपी जो है वो इस तरह से अच्छी रहती है कि आप हाइलुरोनिक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं आईज के अराउंड यहाँ तक. और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बहुत बारीक वाली फाइन लाइन्स होती हैं क्रिंकल शिफॉन के कपड़े की तरह वो जो है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है जी. उसके बाद हम आ जाते हैं थ्रेड्स. समटाइम्स हम यहाँ पे थ्रेड्स भी यूज़ करते हैं. वो जो आपकी लैक्स या लूज स्किन होती है या उसके अलावा फाइन लाइन्स होती हैं उनको ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब हम थ्रेड्स लगाते हैं तो नेचुरली कोलेजन इलास्टिन बूस्ट होती है उस एरिया में और उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा. उसके बाद हम आ जाते हैं जी और क्या चीज़ हम करते हैं. ऑब्वियसली फिलर्स तो आप सब ने उसका नाम सुना होगा और फिलर्स हम यूज़ करते हैं किस लिए, कि हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे डेप्थ है आंखें अंदर को धंस गई हैं उसको हम कवर कर लें. और उसके साथ साथ समटाइम्स ये होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई पार्च्ड स्किन होती है कुछ लोगों की यहाँ से और पतली भी बहुत होती है तो उसमें फिलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है जी. तो ये थी हमारी कुछ चीज़ें जिसमें मैंने आपको होम रेमेडीज़ भी बताई हैं और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पहले हम आपका एनालिसिस करके जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम आपको एप्लीकेशन से ही स्टार्ट कराएंगे. लेकिन अगर एप्लीकेशन यूज़ करने के बावजूद या सप्लीमेंट्स यूज़ करने के बावजूद जो है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ऑब्वियसली हम क्लिनिकल बेस्ड प्रोसीजर्स जो हैं उनकी तरफ जा सकते हैं.